वेलकम बैक इम्प्लांट साइंस वर्ल्ड, दिस इज़ डॉक्टर प्रशांत सिंह और आज हम लोग प्लांट टैक्सोनॉमी सीरीज़ में बात करने वाले हैं अबाउट टैक्सोनॉमी कीज़। टैक्सोनॉमी कीज़ क्या होते हैं, किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कितने टाइप्स होते हैं और इसके क्या फर्दर यूजेज हैं। आप यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो के लास्ट तक आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से टैक्सोनॉमिक कीज़ या बोटानिकल कीज़ को यूज़ करके प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है या किसी अननोन ऑर्गेनिज्म को हम स्टेप वाइज आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं उसका। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि टैक्सोनॉमिक कीज़ होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, टैक्सोनॉमिक कीज़ को हम आइडेंटिफिकेशन कीज भी कहते हैं बिकॉज ये वो की हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं किसी अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे? टैक्सोनॉमिक कीज आर एडेड डिवाइस, ये एक डिवाइस है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंटिटीज, यानी कि हर वो मटेरियल जो कि बायोलॉजिकल ओरिजिन का है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैक्सोनॉमिक कीज। अब वो चाहे प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हों या पॉलिन ग्रीन्स हों, फॉसिल हों, ऐसे बहुत सारे हैं, बैक्टीरिया हों, वायरसेस हों, हम किसी भी बायोलॉजिकल एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफिकेशन कीज़ और टैक्सोनॉमिक कीज़। अगर हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम कहेंगे बोटैनिकल कीज़। अगर हम एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसे हम कहेंगे जूलॉजिकल कीज़। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस, तो हम उसको बैक्टीरियल कीज कह सकते हैं, वायरल की कह सकते हैं। इसी तरीके से पॉलन ग्रीन्स और फॉसिल्स को भी आइडेंटिफाई के लिए करने के लिए कीज को बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली, उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो कीज आर आर्टिफिशियल डिवाइस। कोई भी ऑथर अपने अकॉर्डिंग, अपने अवेलेबल प्लांट्स के अकॉर्डिंग, जितने प्लांट्स उसे आइडेंटिफाई करने हैं उसके अकॉर्डिंग बोटैनिकल कीज़ या जूलॉजिकल की का कंस्ट्रक्शन करता है। तो हम आगे के स्लाइड्स में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से बोटैनिकल कीज़ बनाए जाते हैं। यहाँ हमारा रेफरेंस पॉइंट प्लांट्स रहेंगे क्योंकि हम लोग प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं। नाउ अगर हम डिफाइन करें, डिफिनीशन की बात करें कि टैक्सोनॉमिक कीज़ क्या होते हैं, तो टेक्सोनॉमिक कीज आर डिफाइंड एज इट इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ कंट्रास्टिंग और कंट्राडिक्टरी कैरेक्टर। यानी कि हम यहाँ पे कैरेक्टर की जो सीरीज लेते हैं वो एक दूसरे से कंट्रास्ट होनी चाहिए, प्रेजेंट एब्सेंट लाइक दैट। तो इट इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ कंट्रास्टिंग और कंट्राडिक्टरी कैरेक्टर रिक्वायरिंग फॉर आइडेंटिफिकेशन बाई मेकिंग कंपेरिजन। दोनों कैरेक्टर्स में हम कंपेरिजन करेंगे and decision based on that statements in the key as related to the material to be identified। जो स्टेटमेंट, जो कैरेक्टर हम लेंगे वो मटेरियल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे अगर हमें कोई प्लांट आइडेंटिफाई करना है तो जो कैरेक्टर लेंगे हम उस पर्टिकुलर प्लांट का लेंगे। अगर हमें कोई एनिमल आइडेंटिफाई करना है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करना है तो हम की को कंस्ट्रक्शन करने में जो भी कंट्राडिक्टरी या जो भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे वो उसी हिसाब से लेंगे। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे के आपको समझाने का प्रयास किया है, आगे हम और भी बताएंगे आपको। तो जैसे मैंने लिया है स्टिप्यूल्स का एग्जांपल। अगर किसी प्लांट, अब स्टिप्यूल इज प्रेजेंट और स्टिप्यूल इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, तो ये दोनों कैरेक्टर कंट्रास्ट कर रहे हैं। अब किसी प्लांट में आइदर स्टिप्यूल होगा या नहीं होगा, दो बातें होंगी। दोनों में से किसी एक को हमें सेलेक्ट आउट करना है, दूसरे को रिजेक्ट आउट करना है। जैसे अगर कीज नंबर वन स्टिप्यूल इज प्रेजेंट, स्टिप्यूल इज नॉट प्रेजेंट, तो अगर हम किसी एक प्लांट की बात करेंगे, एक स्पीसीज की बात करेंगे, तो एटलीस्ट या तो स्टिप्यूल होगा या तो नहीं होगा। अगर स्टिप्यूल है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और अगर नहीं है तो उसे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ Another definition is taxonomic keys is an artificial analytical device useful in identifying an unknown plants। मैंने कहा कि मैं प्लांट के रेफरेंस से बात करूंगा, तो taxonomic keys एक artificial device है। Artificial का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी author, कोई भी taxonomist अपने पास available plants के आधार पे
की का कंस्ट्रक्शन करता है। जैसे मैंने अपने रिसर्च के दौरान मैंने जो भी प्लांट को कलेक्ट आउट किया हर फैमिली से, उसके हिसाब से की का कंस्ट्रक्शन किया। कोई और साइंटिस्ट हो सकता है, कोई और टेक्सोनॉमिस्ट हो सकता है, उसने जो प्लांट स्पीसीज कलेक्ट आउट किए उनके आधार पे वो की का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो टेक्सोनॉमिक कीज इन एन आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एन अननोन प्लांट। किसी भी अननोन प्लांट को हम इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ बोटानिकल कीज हेल्प इन क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन प्लांट। इससे हम जो आइडेंटिफिकेशन करेंगे वो क्विक होगा, जल्दी होगा, ऑन द स्पॉट होगा। प्रेजेंट एब्सेंट टू बी आइडेंटिफाइड, स्टिप्यूल इज प्रेजेंट, स्टिप्यूल इज एब्सेंट टू बी आइडेंटिफाइड, तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा वो। नाउ तो मॉडर्न कीज कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट उनको मिलता है मिस्टर जेपी लैमार्क, 1778। इन्होंने कीज कंस्ट्रक्शन की बेसलाइन तैयार की थी, एक मॉडर्न कीज आइडेंटिफिकेशन का क्रेडिट इन्हें जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की। टेक्सोनॉमिक की आर कंस्ट्रक्टेड विथ अ सीरीज ऑफ चॉइसेस अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। मैंने बार बार मैं बता रहा हूँ, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अननोन है, उसी के कैरेक्टर्स को लेंगे और उसमें चॉइसेस बनाएंगे, उसके आधार पे हम कीज का कंस्ट्रक्शन करेंगे जो कि आने वाले ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करेगी। बाय मेकिंग द करेक्ट चॉइस एट ईच स्टेप ऑफ द की, इट इज अल्टीमेटली लीड टू द आइडेंटिटी ऑफ ए स्पेसिमन। अब जैसे कोई प्लांट स्पेसिमन है, तो अब वो प्लांट स्पेसिमन कोई जरूरी नहीं है कि एक ही की में आइडेंटिफाई हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे कीज हों। जैसे अभी हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे, स्टिप्यूल प्रेजेंट और एबसेंट। अब यहां दो बातें होंगी, या तो स्टिप्यूल होगा या तो नहीं होगा। इफ स्टिप्यूल प्रेजेंट देन टाइप ऑफ स्टिप्यूल, अब हम वहां चले जाएंगे, या फ्लावर कलर या फ्रूट कलर, हम वहां चले जाएंगे, या फ्रूट टाइप वहां चले जाएंगे। मतलब एक कैरेक्टर से आइडेंटिफाई किया, पहला स्टेप। पहले स्टेप में आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, इफ एक्सेप्ट गोज टू सेकेंड स्टेप, इफ रिजेक्ट गोज टू थर्ड स्टेप। इस तरीके से की का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अभी फर्दर हम आपको एग्जांपल से क्लियर करेंगे। नाउ टेक्सोनॉमी कीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनके रोल क्या है। अगर हम बात करें फ्लोराज की, मैनुअल्स की, मोनोग्राफ की और अदर टेक्सोनॉमिक लिटरेचर की, तो ये उसका एक मेजर कंपोनेंट होते हैं। आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो व्हाट इज फ्लोरा। फ्लोरा इज द एंटायर प्लांट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं, जो आइडेंटिफाइड होते हैं, जो कलेक्टेड होते हैं, उसे फ्लोराज कहते हैं। उसी तरीके से मैनुअल एंड मोनोग्राफ भी है, अदर टेक्सोनॉमिक लिटरेचर भी है। तो उसमें जितने भी प्लांट स्पेसिमेन हैं उनको आइडेंटिफाई करने में की का बहुत बड़ा रोल होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर हम जो अभी बात कर रहे थे आपसे, देर इज ऑलवेज चॉइस बिटवीन टू कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, प्रोवाइडेड वन कैन बी एक्सेप्टेड एंड अदर इज रिजेक्टेड। दो स्टेटमेंट है, किसी एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज की बात करेंगे तो एक स्टेटमेंट उसमें लागू होगा, दूसरा नहीं लागू होगा। अगर लागू जो होता है उसे एक्सेप्ट करेंगे, जो नहीं लागू होता है उसे रिजेक्ट करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था, प्रेजेंट ऑफ स्टिप्यूल और एब्सेंस ऑफ स्टिप्यूल। ठीक है। नाउ ए सिंगल पेयर ऑफ कंट्राडिक्टरी कैरेक्टर आज टर्म्ड एज कपलेट। एक की में दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होते हैं, दोनों को एक साथ जो हम नाम देते हैं पेयर को, उसे कहते हैं कपलेट। और हर एक कपलेट में जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसे कहते हैं लीड्स। वो जो लीड होते हैं, लीड वो सुराग होते हैं जो हमें ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। सिंगल पेयर ऑफ कंट्राडिक्टरी कैरेक्टर्स आर नेम्ड एज कपलेट एंड द ईच स्टेटमेंट ऑफ द कपलेट इज टर्म्ड एज लीड। एंड देन बाय मेकिंग अ करेक्ट चॉइस एट ईच लेवल वन कैन अराइव एट द नेम ऑफ करेक्ट प्लांट। हर स्टेप पे आपको करेक्ट चॉइस लेना है। जब हम बार बार करेक्ट चॉइस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारा प्लांट आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है। कीज हम
एक्सेप्ट रिजेक्ट, एक्सेप्ट रिजेक्ट करते जाएंगे, और ये तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारा क्लाइंट अल्टीमेटली आइडेंटिफाई ना हो जाए, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ की, की को कैसे बनाया जाता है। मैंने आपको बताया कि कीज आर आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस, इट हैज टू बी कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंग द प्लांट स्पीसीज यू हैव। आपके पास जितने प्लांट स्पीसीज हैं जो आपने कलेक्ट आउट किए हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कीज को बनाना पड़ता है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। हर एक टेक्सोनॉमिक लिटरेचर में हर एक टेक्सोनॉमिस्ट द्वारा अलग अलग कीज बनाए जाते हैं, मोर और लेस सिमिलर होते हैं। अगर आप अलग अलग फ्लोराज को पढ़ेंगे तो कीज मोर और लेस सिमिलर होते हैं, लेकिन कहीं कहीं वेरिएबल भी होते हैं, कहीं कहीं डिफरेंसेस आपको दिखते हैं। ओके, तो हम कंस्ट्रक्शन ऑफ की बात करते हैं, की को कैसे बनाते हैं। तो की को बनाने के लिए हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को यूज करेंगे प्लांट्स के, क्योंकि हमें प्लांट आइडेंटिफाई करना है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज यूज कॉन्स्टेंट कैरेक्टर, नॉट वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। जब हम कीज को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम कांस्टेंट करेक्टर को लेंगे, न कि वेरिएबल को। अब कांस्टेंट करेक्टर क्या होते हैं, मोस्टली जो रिप्रोडक्टिव करेक्टर होते हैं प्लांट के वो कांस्टेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव करेक्टर यानी कि फ्लोरिस्टिक करेक्टर, जैसे नंबर ऑफ सेपल्स, नंबर ऑफ पेटल्स, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स पेटल्स, नंबर ऑफ एंड्रूशियम, नंबर ऑफ कार्पल्स, नंबर ऑफ गाइनोशियम, टाइप ऑफ स्टिग्मा। तो जो हमारे फ्लोरिस्टिक कैरेक्टर हैं हम जनरली उसे लेना पसंद करते हैं, जो फ्रूट्स के कैरेक्टर हैं, जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं उसे लेना पसंद करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ की में, न कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का मतलब होता है लीफ साइज, लीफ टाइप, लीफ शेप, कलर ऑफ लीफ। फिलोटैक्सी जनरली वेरिएबल नहीं होता, कांस्टेंट होता है। तो हम इन कैरेक्टर्स को लेते हैं जो कांस्टेंट कैरेक्टर हो। इसके पीछे कारण क्या है कि जो कांस्टेंट कैरेक्टर यानी कि जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन का उसके ऊपर बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होते हैं जैसे लीफ साइज, प्लांट हाइट, प्लांट कलर, लीफ कलर, इस पे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स का, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे अगर आप सेम प्लांट को वाटर रिच कंडीशन में ग्रो करिए, न्यूट्रिएंट रिच कंडीशन में ग्रो करिए, सेम प्लांट को न्यूट्रिएंट डिफिशियंट कंडीशन में ग्रो करिए, दोनों की साइज में अलग डिफरेंस आ जाएगा, दोनों के लीफ की शेप में डिफरेंस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, नेवर यूज टर्म सच एज लार्ज स्मॉल। एक्चुअली लार्ज और स्मॉल अगर टर्म आप यूज करते हैं, लीफ साइज लार्ज, लीफ साइज स्मॉल, तो अब आपने क्या लार्ज समझा है, सामने जो पढ़ रहा है वो क्या लार्ज समझेगा। तो हमें वो कैरेक्टर यूज करने हैं जो डिफिनेट हो, कॉन्स्टेंट हो, जो वैरी ना करें, ठीक है। इंस्टेड मेक करेक्ट मेजरमेंट। अब यहां पे हम करेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं कि प्लांट हाइट, अगर हम कहते हैं कि प्लांट लार्ज प्लांट स्मॉल, अब ये जस्टिफाई करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लांट हाइट अप टू 1 मीटर, मोर देन 1 मीटर, तो यहां पे जस्टिफाई करना थोड़ा आसान होता है। नेक्स्ट, कैरेक्टर ऑलवेज अवेलेबल आर टू बी यूज रेदर देन सीजनल कैरेक्टर। जो वही मैंने बताया कि जो परमानेंट कैरेक्टर हैं उसे यूज करेंगे, ना कि सीजनल कैरेक्टर में। जैसे अगर हम किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लावर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लावर कलर या वट एवर, जो सीजनल कैरेक्टर है, जो कुछ सीजन तक 2-4 महीने, 1 महीने 2 महीने अपीयर होते हैं या कुछ हफ्ते अपीयर होते हैं, तो उस पर क्या होगा कि हमें वेट करना पड़ेगा कि अब इसमें वो कंडीशन आएगी, जब उसमें फ्लावर बनेगा, जब वहां फ्रूट बनेगा, तब हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो हमें ऐसे कैरेक्टर्स को चूज करने हैं जो ऑलवेज अवेलेबल हो, परमानेंट अवेलेबल। प्लांट चाहे जिस स्टेज में हो, प्लांट अभी छोटा है, बड़ा है, मैच्योर है, इमेच्योर है, जिस भी स्टेज में है वो कैरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज यूज पॉजिटिव टर्म। वैसे भी सब कहते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, तो अगर हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव टर्म को यूज करना चाहिए, ना कि निगेटिव टर्म को। जैसे स्टिप्यूल इज प्रेजेंट, पॉजिटिविटी को शो कर रहा है।
बट वी कैन नॉट यूज स्टिप्यूल इज नॉट प्रेजेंट. नॉट मीन्स निगेटिव हो गया ये. तो हमें कोशिश ये करनी है कि पॉजिटिविटी को बरकरार रखें, लाइफ में जरूरी है. नेक्स्ट, एज फार एज पॉसिबल बोथ चॉइसेस ऑफ पेयर इज स्टार्टेड टू बी सेम वर्ड. जो हम कीज बनाएंगे, कपलेट में दो स्टेटमेंट होते हैं, दोनों स्टेटमेंट कोशिश करेंगे कि एक ही वर्ड से शुरू हो. जैसे सीड राउंड, सीड ऑबलोंग. पहला शब्द क्या है? सीड है. अब सीड का करेक्टर, सीड कैसा है, सीड राउंडेड है या सीड ऑबलोंग है, इसके आधार पर डिफ्रेंशिएट किया गया, उसके आधार पे कंस्ट्रक्शन किया गया की का. तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स जिसके आधार पे आप की को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ की, टाइप्स ऑफ बॉटानिकल की या टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमिक की. तो बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड देयर यूटिलाइजेशन, देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ टेक्सोनॉमिक कीज आर रिकॉग्नाइज, दैट इज सिंगल इंसेस, सक्वेंशियल, डाइकोटोमस और एनालिटिकल की. पहला जो है वो सिंगल एक्सेस या डाइकोटोमस की है या एनालिटिकल की है, और दूसरा क्या है जो मल्टी एक्सेस है और पॉलीटोमस है. तो हम आपको यही क्लियर कर देते हैं. डाइकोटोमस यानी ईच की हैव टू स्टेटमेंट्स. एक की में, एक की यानी एक कपलेट में दो स्टेटमेंट होंगे ए बी, ठीक है. और मल्टी एक्सेस या पॉलीटोमस में एक से ज्यादा होंगे. यहाँ लिखा हुआ है इफ ईच स्टेप हैज ओनली टू अल्टरनेटिव्स, दिस की सेट टू बी डाइकोटोमस, ठीक है, एल्स इट इज पॉलीटोमस. अगर दो हैं, दो वेरिएबल हैं, अगर एक की में दो वेरिएबल है तो वो कहलाएगा डाइकोटोमस, और दो से ज्यादा है तो वो कहलाएंगे पॉलीटोमस. तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो डाइकोटोमस की है, और यही क्वेश्चंस जनरली पूछे भी जाते हैं. तो पॉलीटोमस की में बस हमें ये जानना है कि अगर एक की में दो से ज्यादा अल्टरनेटिव्स हैं तो उसे पॉलीटोमस कहेंगे, दो हैं तो डाइकोटोमस कहेंगे. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं डाइकोटोमस कीज क्या है. तो डाइकोटोमस एक ग्रीक टर्म है, वहां से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू. अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो डाइकोटोमस की चॉइस इज मेड ओनली बिटवीन टू अल्टरनेट कपलेट आर कॉल्ड डाइकोटोमस की. हमें सिर्फ दो अल्टरनेट कपलेट के बीच में जो है चॉइस बनाना है, अगर दो हैं तो वो कहलाएंगे डाइकोटोमस की. दीज की कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. बार बार दो की बात हो रही है, डाई मतलब ही दो है, और दो अगर एक साथ है तो वो पेयर कहलाएंगे. तो दीज की कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर और कपलेट, ईच स्टेटमेंट ऑफ विच इज कॉल्ड लीड, एंड द बोथ द लीड आर नंबर्ड एंड बिगिन विथ सेम वर्ड एज फार एज पॉसिबल. हमारी कोशिश ये होती है कि की में जो दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट की शुरुआत सेम नंबर से हो और सेम वर्ड से हो. जैसा एग्जाम्पल दिया गया है, सीड राउंडेड, सीड ऑबलोंग, दोनों का पहला वर्ड सेम है. नेक्स्ट, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर चूजन विच डिवाइड द फुल सेट ऑफ स्पीसीज इन टू टू स्मॉलर ग्रुप, ठीक है. अब जैसे हमने बहुत सारे प्लांट्स लिए, सारे प्लांट का सीड देखा, तो उसमें क्या है कि कुछ सीड ऐसे हैं जो राउंडेड है, कुछ कैसे हैं ऑबलोंग है. अगर हमने 10 प्लांट स्पीसीज लिए हैं तो कुछ में सीड राउंडेड होंगे, कुछ में सीड ऑबलोंग होंगे. इसके बेसिस पे दो अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे. जैसे तीन प्लांट ऐसे हैं जिसमें सीड राउंडेड है और सात प्लांट ऐसे हैं जिसमें सीड ऑबलोंग है. तो एक बिग साइज 10 प्लांट ग्रुप को हमने डिवाइड कर दिया 3 और 7 में. तो यही करता है कीज. बार बार इलिमिनेट करेंगे, इलिमिनेट करते करते अल्टीमेटली हम एक प्लांट पे पहुंचेंगे, चाहे हम 10 प्लांट लिए हों, 100 प्लांट लिए हों या जितने भी लिए हों. आइडेंटिफाई करते करते स्टेप बाय स्टेप अल्टीमेटली हम एक प्लांट पे पहुंचेंगे और वहां उसका नाम कंफर्म कर देंगे. देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, ईच टाइम नंबर ऑफ स्पीसीज आर इलिमिनेटेड सो दैट द चॉइस इज नैरो डाउन टू द करेक्ट स्पीसीज. जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, हमने 10 प्लांट स्पीसीज लिए, 10 में से 10 का मैंने सीड देखा, कुछ के सीड राउंडेड थे, कुछ के सीड ऑबलोंग थे. तो जो राउंडेड वाले हैं वो तीन है, 10 में से 10 प्लांट स्पीसीज में से तीन प्लांट ऐसे हैं जिसमें सीड राउंडेड है और सात ऐसे हैं जिसमें सीड ऑबलोंग है. तो अब हमने राउंडेड को एक्सेप्ट किया, ऑबलोंग को रिजेक्ट किया. तो राउंडेड को जब एक्सेप्ट किया तो अब हमें कितने का आइडेंटिफिकेशन करनी है? अब हमें सिर्फ तीन प्लांट की आइडेंटिफिकेशन करनी है.
तो एलिमिनेशन हुआ या नहीं हुआ, इसी तरीके से हर स्टेप पे एलिमिनेशन होता जाएगा और अल्टीमेटली हम एक नैरो करेक्ट स्पीसीज तक पहुंचेंगे। एग्जाम्पल्स मैं क्लियर करता हूं अभी अगले स्लाइड में। अब हम बात करते हैं राइटिंग पैटर्न की, कैसे हम कीज को लिखते हैं। ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कॉल्ड कपलेट, ईच कपलेट, ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कॉल्ड कपलेट, ईच स्टेटमेंट ऑफ विच इज कॉल्ड लीड, एंड द लीड मे बी नंबर्ड विथ न्यूमरल्स और यूज ऑफ लेटर हेड्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम ये बात बताना चाहते हैं आपको कि जो लीड होते हैं, इन लीड को लिखने के लिए हम जो तरीका यूज करते हैं, दैट मे बी स्टार्ट विथ नंबर, विथ न्यूमरल्स एंड विथ लेटर हेड्स, जैसे डिफरेंट वे ऑफ प्रिपेयरिंग डाइकोटोमस कीज। पहला वे है नंबर्स का, जिसमें हम नंबर यूज कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हर एक की में को कपलेट कहेंगे, उसमें दो लीड होंगे, तो पहले लीड को बोला गया वन और दूसरा जो इसका कंट्रास्टिंग होगा उसको ही बोलेंगे वन। दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लिखे जाएंगे। सेकंड को जो दूसरा की होगा उसके पहले लीड को सेकंड बोलेंगे, दूसरे लीड को भी सेकंड बोलेंगे, अगर हम सिर्फ नंबर यूज करते हैं। अगर हम सिर्फ अल्फाबेट्स यूज करते हैं लिखने के लिए, तो पहले की को अगर ए बोला गया, पहले की के पहले लीड को अगर ए बोला गया, तो उसके दूसरे लीड को, दूसरे कंट्राडिक्टरी कैरेक्टर को डबल ए बोलेंगे। एंड द बेस्ट वन इज न्यूमरल्स विथ अल्फाबेट्स, नंबर और अल्फाबेट दोनों यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखिए, आप जैसे हमने यहाँ पे कुल टोटल चार कीज लिए हैं, टोटल फोर कीज वी आई हैव टेकन। हर की में दो स्टेटमेंट होंगे, दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हर की में होंगे। पहले स्टेटमेंट को बोला गया वन ए, अब जो इसका कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है उसको बोलेंगे वन बी। ठीक है, दूसरे की का जो स्टेटमेंट है उसको बोलेंगे टू ए, अब इसका जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है उसको बोलेंगे टू बी, और इसी तरीके से तीसरे में थ्री ए थ्री बी, चौथा की जब बनाएंगे तो बोलेंगे फोर ए फोर बी। तो ये राइटिंग पैटर्न है किस तरीके से कीज को लिखे जाते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे कि फर्स्ट के बाद सेकंड आ रहा है, सेकंड के बाद फिर सेकंड आ रहा है, फिर थर्ड आ रहा है, थर्ड के बाद फिर थर्ड है, फिर हम वन पे मूव कर गए, फिर हम फोर्थ पे मूव कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। द कन्वेंशनल एंड मोस्ट एक्सेप्टेड टाइप ऑफ की टुडे यूज आर डाइकोटोमस। मैं बता रहा था अभी आपको, पिछले पहले ही बता चुका हूं कि डाइकोटोमस की मोस्ट एक्सेप्टेड है, मोस्ट कन्वीनियंट है और मोस्ट यूजेबल है। डाइकोटोमस कीज आर ऑफ टू जनरल टाइप, दैट इज इंडेंटेड की एंड ब्रैकेटेड की। डाइकोटोमस की को फर्दर डिवाइड किया गया दो ग्रुप में, इंडेंटेड की एंड ब्रैकेटेड की। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस आते हैं, डाइकोटोमस की क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। डाइकोटोमस की का आप डेफिनेशन बताएंगे, फिर आप बताएंगे कि इंडेंटेड कीज क्या होते हैं, ब्रैकेटेड कीज क्या होते हैं और उसके एग्जांपल्स देंगे। तो बी केयरफुल। नाउ इंडेंटेड की और यॉक्ड की, इंडेंटेड की को हम लोग यॉक्ड की भी कहते हैं। दिस की इज मोस्ट वाइडली यूज इन फ्लोरा एंड मैनुअल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये, और सबसे कन्वीनियंट है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है और सबसे आसान भी है, ग्रेट न्यूज है। नाउ एक्चुअली इंडेंटेड कीज क्या होते हैं। इन द इंडेंटेड की ईच ऑफ द कपलेट आर इंडेंटेड एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द मार्जिन ऑफ द पेज। लेफ्ट से एक फिक्स डिस्टेंस पे कीज को लिखे जाते हैं। देखिए इंडेंटेड की हो या ब्रैकेटेड की हो, कैरेक्टर्स वही होते हैं, केवल राइटिंग पैटर्न अलग अलग। इसीलिए मैंने जो एग्जाम्पल लिए हैं, हमने सेम प्लांट स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेड कीज एंड विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेटेड कीज। सेम प्लांट स्पीसीज लिए हैं, प्लांट आई हैव टेकन फाइव कॉमन स्पीसीज ऑफ जीनस सोलेनम विच बिलोंग्स टू फैमिली सोलेनेसी। सोलेनम के पांच वेरी कॉमन जीनस जो आपके आसपास मिलेंगे, दैट इज सोलेनम वेलोसम जिसको हम लोग लाल मकोह कहते हैं, सोलेनम नाइग्रम जिसे हम लोग काली मकोह कहते हैं, सोलेनम डाइफिल्लम जिसे हम लोग पीली मकोह कहते हैं, सोलेनम सुराटेंस या सोलेनम जेंथोकार्पम जिसे हम लोग कटेरी कहते हैं, छोटी कटेरी, और सोलेनम सिसिम्ब्रीफोलियम जिसे हम कहते हैं बड़ी कटेरी। ये सारे वाइल्ड प्लांट हैं, सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं,
ये सारे हमने कलेक्ट किए हैं अपने रिसर्च एरिया से और इस पे हमने बहुत सारा काम किया है। तो हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेड की। हम आपका फिर से फोकस ले आते हैं। इन द इंडेंटेड कीज ईच ऑफ द कपलेट इज इंडेंटेड एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द मार्जिन ऑफ द पेज। ओके, आई हैव टेकन फाइव स्पीसीज ऑफ सोलेनम। नाउ दीज आर द प्लांट्स जिनकी मैं बात कर रहा था। दिस इज सोलेनम नाइग्रम, दिस इज सोलेनम विल्लोसम। दोनों में डिफरेंस आप देख रहे हैं। इनकी बेरीज, इसका जो फ्रूट है, फैमिली सोलेनेसी अगर आप पढ़ेंगे तो फैमिली सोलेनेसी के फ्रूट्स को बेरीज कहा जाता है। तो फैमिली सोलेनेसी के फ्रूट्स जो होते हैं वो बेरीज। यहाँ पे बेरीज आर ब्लैक इन कलर, यहाँ बेरीज आर ऑरेंज इन कलर। देखिए फ्लावर्स दोनों का सेम है, ऑलमोस्ट दोनों का फ्लावर सेम है। देखिए और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी फ्लावर सेम है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? दिस इज द हैव ब्लैक बेरीज, दिस इज ऑरेंज बेरीज एंड दिस इज येलो बेरीज। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम आपका ध्यान ले जाएंगे। यहाँ पे जो आप लीफ देख रहे हैं, ये लीव्स इक्वल हैं और इनकी फिलोटैक्सी अपोजिट है। देखेंगे आप यहाँ पे कि लीफ के साइज इक्वल हैं, उनका शेप सेम है और फिलोटैक्सी यानी कि अरेंजमेंट जो है वो अपोजिट है। लेकिन अगर आप सोलेनम डाइफिल्लम की बात करेंगे तो ये देखिए, एक लीफ छोटी है और दूसरी लीफ बड़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लीफ छोटी है और दूसरी लीफ बड़ी है, इसीलिए इसका नाम है डाइफिल्लम, यानी कि टू टाइप ऑफ लीफ। लीफ आर अनइक्वल, ओके, एंड द रिमेनिंग टू स्पीसीज आर सोलेनम सुराटेंस, जिसको सोलेनम जेंथोकार्पम भी कहते हैं, एंड सोलेनम सिसिमरीफिलियम। ये दोनों प्लांट्स वाइल्ड है, एक्चुअली सारे प्लांट वाइल्ड हैं। इसमें कांटे पाए जाते हैं, कांटों को आर्म बोला जाता है, तो इसमें कांटे पाए जाते हैं। इनके फ्रूट्स में भी डिफरेंस है। यहाँ आप फ्रूट देखेंगे कि फ्रूट शुरू में जो होता है ब्लस्ट ग्रीन होता है, ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं फ्रूट पे, बाद में मेच्योरिटी में फ्रूट येलो हो जाता है, और यहाँ पे फ्रूट्स आर रेड। ये डिफरेंस है और दोनों में कांटे पाए जाते हैं। अब हम ये कैरेक्टर्स हो गए, ये बोटानिकल कैरेक्टर हैं। इन कैरेक्टर्स को हमने पढ़ा, इन कैरेक्टर्स को हमने समझा। अब इन्हीं कैरेक्टर्स के आधार पे हम कीज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो दीज आर द इंडेंटेड की टू आइडेंटिफाई द फाइव कॉमन स्पीसीज ऑफ जीनस सोलेनम। तो सबसे पहले हम पांचों प्लांट को डिवाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ, वेयर इज माई पॉइंटर, यस, हमने आइडेंटिफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ आर्म्स या स्पाइन्स। आर्म को स्पाइन कहते हैं। तो सबसे पहले अनआर्म्ड हर्ब, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिसमें आर्म यानी कि स्पाइन नहीं पाए गए। अब इसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है 1B, आर्म्ड हर्ब। अनआर्म्ड का मतलब क्या है? आर्म यानी कि स्पाइन एब्सेंट। देखिए एब्सेंट या नॉट प्रेजेंट नहीं यूज किया हमने, अनआर्म्ड यूज किया क्योंकि पॉजिटिव रहना है। तो 1A जो है अनआर्म्ड हर्ब, इसका अल्टरनेटिव है आर्म्ड हर्ब। दोनों कंट्राडिक्टरी कैरेक्टर है, 1A 1B। ओके, तो हमने पांच प्लांट स्पीसीज को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पाइन और एब्सेंस ऑफ स्पाइन। अब ये दो ग्रुप में बन गए। अब ऐसे प्लांट जो अनआर्म्ड है यानी कि स्पाइन प्रेजेंट नहीं है, अब वो तीन थे जिसमें स्पाइन नहीं थे। आप फिर से देख लीजिए, ये जो शुरू के तीन है यहां पे मैंने लिख भी रखा है, अनआर्म्ड हर्ब। अनआर्म्ड हर्ब जो है इसमें स्पाइन्स नहीं है, जबकि आर्म्ड हर्ब और श्रब में स्पाइन्स प्रेजेंट है। तो पांच प्लांट को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट ग्रुप में तीन पौधे हैं और सेकंड ग्रुप में दो पौधे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सेकेंड कैरेक्टर है लीव्स आर अपोजिट एंड इक्वल। अब इसका कंट्राडिक्टरी कैरेक्टर है फर्स्ट ए का फर्स्ट बी, लीव्स आर अपोजिट एंड अनइक्वल। अब अगर लीफ अपोजिट है और इक्वल है तो इसमें दो थे, मैंने आपको दिखाया। इफ बेरीज आर ऑरेंज एट मेच्योरिटी देन दिस इज सोलेनम डाइफिल्लम, इफ बेरीज आर ब्लैक एट मेच्योरिटी देन इट इज सोलेनम नाइग्रम। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर नंबर फर्स्ट यानी की नंबर 1, की नंबर 2 एंड की नंबर 3, अल्टीमेटली हर जगह इलिमिनेशन हुआ है, हर स्टेप पे इलिमिनेशन हुआ है, एंड अल्टीमेटली वी हैव आइडेंटिफाइड सोलेनम विल्लोसम।
अब थर्ड ए का जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है दैट इज थर्ड बी, बेरीज आर ब्लैक एट मेच्योरिटी एंड द सोलेनम नाइग्रम इज आइडेंटिफाइड. ये डिफरेंस था वहां पे जहां पे आइडेंटिफिकेशन हुआ. एंड द सेकेंड टेक्सोनॉमिकल की जो हमारा की था, की नंबर सेकेंड, उसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट था, फर्स्ट लीड था, उसने बोला लीव्स अपोजिट एंड अनइक्वल, फर्दर डिवाइड किया दो में, और लीफ अपोजिट एंड अनइक्वल, सॉरी पहले इक्वल था बाद में अनइक्वल है, तो अनइक्वल वाले कौन है, सोलेनम डाइफिल्लम. ओके नाउ अब ये फर्स्ट ए हो गया. अब फर्स्ट बी की बात करते हैं. फर्स्ट बी इसका जो कंट्रास्टिंग पेयर है, आर्म्ड हर्ब और श्रब. अब जितने भी आर्म्ड हर्ब और श्रब थे उनको फर्दर डिफरेंशिएट किया गया है की नंबर फोर में. फोर का जो फर्स्ट पार्ट है, फोर ए, इफ प्लांट इज डिफ्यूज प्रोस्टेट फ्लावर पर्पलिस ब्लूइज पर्पल बेरीज ब्लास्ट विथ ग्रीन देन इट इज सोलेनम सोराटेंस. अब इसका कंट्रास्टिंग देखिए यहां पे, प्लांट डिफ्यूज, डिफ्यूज का कंट्रास्ट इरेक्ट, डिफ्यूज और प्रोस्टेट का कंट्रास्ट इरेक्ट, दिस इज हर्ब, दिस इज हर्ब और श्रब, फ्लावर्स ब्लूइज पर्पल फ्लावर व्हाइट, बेरीज ब्लास्ट विथ ग्रीन बेरीज रेड एस्ट मेच्योरिटी. यानी कि हमें जो भी करेक्टर लेने हैं सब कंट्रास्ट लेने हैं, एक दूसरे के कंट्रास्ट, एक दूसरे के अल्टरनेटिव. पहले वाले में सोलेनम सुराटेंस कंफर्म हुआ, दूसरे वाले में सोलेनम सिसमिफोलियम कंफर्म हुआ. तो दिस इज द बेसिक वे हाउ टू कंस्ट्रक्ट इंडेंटेड कीज. इंडेंटेड कीज में मैंने आपको बताया था कि इंडेंटेड कीज में जो कैरेक्टर लिखे जाते हैं वो वेट अ मिनट, इंडेंटेड कीज में जो कैरेक्टर लिखे जाते हैं वो लेफ्ट से एक इक्वल मार्जिन पे लिखे जाते हैं. यानी वन ए के ठीक नीचे हम लोग वन बी लिखेंगे, टू ए के ठीक नीचे हम लोग टू बी लिखेंगे, थ्री ए के ठीक नीचे हम लोग थ्री बी लिखेंगे. इस तरीके से लिखे जाते हैं और लेफ्ट से इनका मार्जिन सेम होता है. पहले कैरेक्टर्स के आधार पे सारे प्लांट को जब पहला की इस्तेमाल करेंगे तो दो भाग में डिवाइड करेंगे एंड देन फर्दर हम डिवाइड करते जाएंगे अलग अलग कीज को अलग अलग तरीके से. ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रैकेटेड की. ब्रैकेटेड की क्या होते हैं? ब्रैकेटेड की को हम पैरलर की भी कहते हैं. तो अब पैरलर की क्या होते हैं? इन द ब्रैकेटेड की और पैरलर की द टू कपलेट्स आर ऑलवेज नेक्स्ट टू ईच अदर इन कंसिक्यूटिव लाइन्स. जैसे आपने पहले देखा इंडेंटेड की में, तो जो वन ए लिखा था उसके काफी डिस्टेंस पे वन बी लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको कंसिक्यूटिव लाइन्स में यूज करते हैं. अभी एग्जाम्पल लूंगा मैं, क्लियर हो जाएगा. एंड एट द एंड ऑफ ईच लाइन इन द की देयर इज आइदर ए नंबर और नेम रेफरिंग टू ए कपलेट. जब हर एक की का जो एंड पॉइंट होगा यहाँ, वहां पे आइदर प्लांट आइडेंटिफाई होगा, जो प्लांट का नाम होगा, या किसी दूसरे की पे वो रेफर करेगा. ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं मैं. अब देखिए एग्जाम्पल मैंने जैसा बताया कि हम एग्जाम्पल सेम लेंगे, ब्रैकेटेड की के एग्जाम्पल और इंडेंटेड की के एग्जाम्पल को सेम लिया है. वही पांचों प्लांट स्पीसीज, सोलेनम वेलोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम डाइफिल्लम, सोलेनम सुराटेंस एंड सोलेनम सिसिमरीफोलियम, इन्हीं पांचों प्लांट स्पीसीज को हम आइडेंटिफाई करेंगे बाय यूजिंग ब्रैकेटेड की. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल. देखिए ब्रैकेटेड की, ब्रैकेटेड की में पहले तो वन ए वन बी सिस्टम नहीं होता, यहां पे वन वन यूज करते हैं, वन वन. ठीक है, वन वन टू टू. ओके अब देखिए कैरेक्टर सेम है, वन अनआर्म्ड हर्ब, उसका दूसरा पार्ट आर्म्ड हर्ब और श्रब. अब अगर पौधे में स्पाइंस नहीं है तो रेफर टू द कैरेक्टर नंबर सेकेंड, रेफर टू द की नंबर सेकेंड. हमने अभी डिफिनेशन बताया, एट द एंड ऑफ ईच की देयर इज ए नंबर, देयर इज अ रेफरिंग नंबर और नेम. तो अगर आपके पास पांच पौधे हैं, पांच पौधे में अगर स्पाइंस नहीं है, अनआर्म्ड है, तो रेफर टू द की नंबर सेकेंड, और अगर स्पाइन है यानी कि आर्म्ड है तो रेफर टू द की नंबर फोर्थ. प्लांट को उठाया, देखा स्पाइन है कि नहीं है, अगर स्पाइन है तो कौन सा कैरेक्टर देखना है, फोर्थ. अगर स्पाइन नहीं है तो कौन सा कैरेक्टर देखना है, सेकेंड. नाउ सेकेंड में बात करते हैं. देखिए पहला था
स्पाइन नहीं है, अनआर्म्ड, रेफर टू द कैरेक्टर नंबर सेकंड। अब सेकंड में पहुंचते हैं, सेकंड क्या कह रहा है, लीव्स आर अपोजिट एंड इक्वल। अब लीफ अपोजिट इक्वल है तब रेफर कर रहा है आपको रेफर टू कैरेक्टर नंबर थर्ड, क्योंकि अपोजिट और इक्वल वाले भी दो थे, ठीक है, अगर आपको देखा है। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड की इज लीव्स अपोजिट एंड अनइक्वल। नाउ जो अपोजिट लीफ और अनइक्वल साइज ऑफ लीफ थी वो सिर्फ एक प्लांट में थी, दैट इज सोलेनम डाइफिल्लम। सो एट द एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट देयर इज अ नेम ऑफ प्लांट विच हैज बीन आइडेंटिफाइड, दैट इज सोलेनम डाइफिल्लम। ओके, अब आते हैं कैरेक्टर नंबर थर्ड पे। कैरेक्टर नंबर थर्ड पे किसने रेफर किया था, कैरेक्टर नंबर सेकंड का जो फर्स्ट लीड है उसने रेफर किया था, लीव्स अपोजिट इक्वल देन रेफर टू द कैरेक्टर नंबर थर्ड। अब अपोजिट इक्वल वाले जो लीफ है, ऐसे प्लांट जिसके लीव्स अपोजिट और इक्वल हैं, उसको रेफर किया है कैरेक्टर नंबर थर्ड पे। कैरेक्टर नंबर थर्ड में जाते हैं, इफ बेरीज आर ऑरेंज एट मेच्योरिटी देन इट इज सोलेनम वेलोसम, एंड इफ बेरीज आर ब्लैक एट मेच्योरिटी देन इट इज सोलेनम नाइग्रम। ठीक है, ये दो अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स एक साथ लिखे गए हैं। नाउ द फोर्थ की, देखिए फोर्थ की को किसने रेफर किया था, फर्स्ट के सेकेंड पार्ट ने। कैरेक्टर नंबर जो फर्स्ट है, की नंबर जो फर्स्ट है, इसके सेकेंड पार्ट ने रेफर किया था फोर्थ पे। अब फोर्थ क्या कहता है, पहले तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है कि आर्म्ड हर्ब, यानी कि ऐसे हर्ब या श्रब जिसमें स्पाइन है। अब अगर आपने प्लांट देखा उसमें स्पाइन है तो आपको कौन सा कैरेक्टर देखना है, कैरेक्टर नंबर फोर्थ। अब इसमें आपको ये देखना है कि प्लांट आपका डिफ्यूज्ड है या प्रोस्टेट है, फ्लावर पर्पल है, बेरीज ग्रीन है, देन इट इज सुराटेंस। अगर आपका प्लांट इरेक्ट है और श्रबी है, थोड़ा बड़ा है, फ्लावर व्हाइट है और बेरीज रेड है, देन दिस इज सोलेनम सेसमिफोलियम। तो दिस इज अबाउट ब्रैकेटेड की, एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपको बोटानिकल कीज के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको ये यूजफुल लगा, समझ में आया, देन सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक इट। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, आई एम श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।